नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर फोर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर आपका 8 है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बताने वाले जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला आपका यूनिट है सेट थ्योरी, दूसरा आपका डिफ्रेंसिएशन और लिमिट, और तीसरा आपका मैट्रिक्स। तीन ही टॉपिक आपको तीन ही यूनिट पढ़ना है, जिनमें से पहला यूनिट है सेट यानी कि समुच्च। तो समुच्च का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्न हर बार पूछा गया है। आपका सेट ऑफ ए दिया रहेगा, सेट ऑफ बी दिया रहता है, और सेट ऑफ सी दिया रहेगा, और यूनिवर्सल सेट भी दिया रहेगा, या तो आपका ये नहीं दिया रहेगा। चलिए मान लीजिए आपका सेट ए, सेट बी और सेट सी दिया रहेगा, तो इसमें आपको फाइंड करना ये यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बी, ए डैश या कंपोनेंट सेट ऑफ ए से कहा जाता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। आपका यू दिया हुआ यूनिवर्सल सेट और में से माइनस ए कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी, यानी कि सेट ऑफ ए में से सेट ऑफ बी माइनस करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका यहाँ जो डिजिट है सेम रहेगा, क्योंकि पैटर्न आपका यही रहने वाला है। आपका जो पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन का पैटर्न जो है, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। इन्हीं में से आपका तीन प्रश्न पूछा जाएगा, या तो ये यूनियन इंटरसेक्शन या क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो सेकेंड प्रश्न आपका यहाँ से बनता है सेट थ्योरी से, नंबर ऑफ ए का वैल्यू दिया रहता है, नंबर ऑफ बी का वैल्यू 52 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं थ्योरी टाइप में। अगर थ्योरी टाइप में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलिए आपका थ्योरी में किस टाइप के क्वेश्चन रहने हैं इसको हम बताने वाले हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ ए दिया रहता है, नंबर ऑफ बी दिया रहेगा, और इसके साथ ही आपका दिया रहता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 70 रहने वाला है। एन इंटू एन ए यूनियन बी इक्वल टू 70, मतलब इसका इस टाइप के प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए 70 व्यक्ति है एक समूह है, जिनमें से 37 व्यक्ति जो है कॉफ़ी पीते हैं, और आपका 52 व्यक्ति यहाँ जो है वो चाय पीते हैं, तो दोनों व्यक्ति जो है कोई एक सा पसंद करता है, ऐसे कितने व्यक्ति जो चाय और कॉफ़ी पसंद करते हैं, आपको इसमें निकालना है इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिफाइन फंक्शन एंड मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि फलन क्या है और फलन के प्रकार को आपको बताना है। अगर आपका मैथ क्वेश्चन आता है उन्हीं में से ये डिफिनेशन पूछा जाएगा सेट थ्योरी से, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, और इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये द्विघात समीकरण से पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सप्लाई फंक्शन दिया रहता है और डिमांड फंक्शन, तो इसमें निकालना रहता है सामान्य मूल्य जिसे पी कहा जाता है, और मात्रा, इसका जो फॉर्मूला होता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, तो आप यहाँ पे जो डिमांड का वैल्यू दिया आप उसको बैठाइएगा और यहाँ सप्लाई को, तो इस प्रकार यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो इक्वेशन ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका यूज है, क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है, द प्राइस पर वसल्स ऑफ व्हीट एंड राई आर P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, द मार्केट डिमांड फॉर व्हीट इज गिवेन बाय X1 इक्वल टू 4, आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसे व्हीट में होता है गेहूँ, जिसका आपका डिमांड वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और राय एक होता है जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है X2, ठीक है। ये आपका डिमांड का वैल्यू है, और यहाँ पे आपका सप्लाई का वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, गेहूँ और जो होता है इसका हिंदी, तो आपका जो यहाँ देख सकते हैं वैल्यू दिया हुआ है X1 सप्लाई का, इसका सप्लाई का व्हीट का यानी कि गेहूँ का वैल्यू यहाँ पे दिया, और यहाँ पे राय जो रायता इसे कहा जाता है सप्लाई, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको इक्वेशन में पुट करना है, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इस डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इसको मान पुट कीजिएगा एक एक करके, पहले गेहूं का कीजिएगा फिर आपको रायता करना है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम की उससे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आने की चांस है, ठीक है। आपको लिमिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर हम जो क्वेश्चन में आपको ये बताएं, अगर क्वेश्चन इस टाइम में आता है तो बिल्कुल यही आने वाला है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आने की चांसेस है, आपको लिमिट ज्ञात करना है, ठीक है। आपका लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी दिया रहेगा, इसको सॉल्व करना है। लिमिट एक्सटेंड टू 3 दिया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, या तो इसके ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है लिमिट का, यहाँ से हमने 5 टोटल क्वेश्चन बताए जिनमें से आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है एक्सटेंड टू लिमिट रहने वाला है, अगर लिमिट से प्रश्न पूछा जाता है तो। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा लिमिट तो आप देख सकते इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लिमिट का क्वेश्चन यहाँ से हमने टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं, जो पाँचों आपके एग्जाम की उसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन में एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव, हमने लिमिट और डेरिवेटिव से क्वेश्चन आना तय है क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी इजी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पढ़ना है डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिनमें से हमने टोटल यहां से 10 क्वेश्चन उठाए और इन्हीं 10ों में से आने के चांसेस है, अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो जो कंसेप्ट है उसी आधार पर बनेगा, जिनमें से वाई का वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टोटल पिछले बार के जितने भी क्वेश्चन आए उन्हीं प्रश्नों को मैं सिलेक्ट किया हूँ, ये सब दिया हुआ, डेरिवेटिव फाइंड करना है, देख सकते हैं आप लोग टोटल हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखता है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड है, तो आपको सभी को एक्स स्क्वायर के डिवाइड करना है, इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन से इस बार प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, 100% आने की चांस है और लिमिट का 100%, और एक 3-4 प्रश्न जो आपके एग्जाम की उसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न में पूछा जाएगा तो अर्थशास्त्र में अवकलन का प्रयोग यानी कि फोकस द यूजेज ऑफ डिफ्रेंशिएशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी में अगर पूछा जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो होता है कुछ थ्योरी भी पूछे जाते हैं और कुछ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को कवर नहीं कर पाते, इसलिए कुछ थ्योरी भी दिया जाता है जिनमें से कुल सीमांत तथा औसत लागत से अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशनशिप अमंग टोटल मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट के बीच आपको संबंध बताना है, ठीक है। इस शॉर्ट टाइप के प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा से अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न इजी पूछा जा सकता है तो इसी टाइप में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका वाई का कोई फंक्शनल का वैल्यू दिया रहेगा, इसी में फाइंड करना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक। और आगे आपको पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमम आपको कर्व के बारे में पढ़ना है, जिनमें से आपका इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सो डेट द कर्व इक्वल टू आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे समझिए 2 क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपका टोटल एग्जाम 16 कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है या फाइंड करना है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स फ्रॉम बिलो, अगर आपका मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम की उसे 100% ये प्रश्न आएगा, 100% है, बस आपका यहाँ अगर क्वेश्चन में बदले तो इस पैटर्न को बदल सकता है, लेकिन आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर क्वेश्चन का पैटर्न इसी पर रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन है टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट, यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉस्ट भी लिखा रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू जैसे कि आप लोग देख सकते हैं x³/10 - 3x² + 50x ये दिया हुआ है, या टीसी का वैल्यू आपका कुछ भी एक्स के रूप में फंक्शनल के रूप में रहेगा, ठीक। इसमें आपको फाइंड करना रहता है इसी यानी कि एवरेज कॉस्ट इसे कहा जाता है, यानी कि औसत यानी कि एवरेज कॉस्ट, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, और तीसरा आपको फाइंड करना है मिनिमाइज एसी और मिनिमाइज एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, और पांचवा है आपका मिनिमम ऑफ एसी यानी कि अगर एसी मिनिमम है तो एमसी इक्वल टू एसी बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ये सब रहे, क्वेश्चन 2 और 4 रहे या ना रहे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से इस क्वेश्चन को लिखकर गिवन में दिया रहेगा टीसी इक्वल टू, आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मिनिमम ऑफ एसी यानी कि, तो देन एमसी इक्वल टू एसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने इस प्रश्न को सॉल्व करवा दिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए टीसी में इसके बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, टीसी का वैल्यू देखिए यहाँ पर बदल गया है, लेकिन जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहने वाला है, देख सकते हैं ये है, और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब आ जाते हैं
टोटल कॉस्ट से ये प्रश्न बिल्कुल इसी पैटर्न पर 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आपको पढ़ना, मैट्रिक्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनमें से आपका पहला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फाइंड इंडिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने पूछा जा सकता है, जिसका सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका होता है। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस को हम लेते हैं और इस प्रकार आप यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, जो 100% आने की चांसेस है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दूसरा नंबर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स आप डायरेक्ट यहाँ से उठा सकते हैं। पूछा गया कि फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से हमने दोनों क्वेश्चन को इसलिए एडजस्ट किया है क्योंकि आपसे एडजॉइंट भी पूछा जा सकता है लेकिन इनवर्स भी, लेकिन आपको दोनों, अगर आप इनवर्स निकालते तो एडजॉइंट अपने आप निकल जाता, इसलिए हमने एडजॉइंट को भी शामिल किया इसमें। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिर्फ आपको यही रहने वाला फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेगा तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहीं से आपका एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने एडजॉइंट को शामिल किया। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आने की चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना रहता है, जिसका सभी को पता होगा कि 100% आता है प्रश्न, हर बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से हमने दो क्वेश्चन को कवर किया जिनमें से x1 + x2 + x3 = 9 है, 2x1 + 5x2 + 7x3 = 52 और 2x1 + x2 - x3 = 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, और 100% आने के चांसेस है ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड का वैल्यू। भले आपका ये क्वेश्चन बदल सकता है लेकिन जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा 1, 3 और 5 होगा, हमने आंसर को लिख दिया। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते तो कर लीजिएगा क्योंकि एक अधिकतर बार यही प्रश्न पूछा गया, ठीक है, और पिछले बार ये प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं, इसका आंसर भी हमने नीचे लिख दिया, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि ये प्रश्न आपका आना तय है, लीनियर ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना रहता है, और अगर ये नहीं आता है, अगर ये तो आना तय है, और दूसरा जो है यूजिंग क्रेमर्स रूल से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, जिनमें से आपका ये वैल्यू दिया रहता है 2x - y - z = 5, 3x - 2y + 2z = -3 और x - 3y - 3z = -2। इसी में से क्वेश्चन क्रेमर रूल से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा दोनों का सेम आता है, लेकिन इसमें आपको क्रेमर रूल का प्रयोग करना है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं इसका जो आंसर आता है 1 - 1 आएगा। इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर और में देखिए स्टूडेंट को अगर फंसाना हो तो इस टाइप के प्रश्न दिया जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करके जाते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्स वन का वैल्यू दिया, एक्स टू का वैल्यू दिया, एक्स थ्री का वैल्यू नहीं दिया हुआ। आप देख सकते हैं पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन में आप देखेंगे तो एक्स वन का वैल्यू नहीं दिया हुआ, अगर आप तीसरा इक्वेशन को देखेंगे तो आपका एक्स थ्री का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया। तो इसके लिखने का तरीका इस प्रकार होता है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है आपका जो एक्स वन का वैल्यू दिया है -x1 + x2, यहाँ पे एक्स थ्री का वैल्यू नहीं दिया, तो आप यहाँ पे अपने से लिख सकते हैं 0 × x3। अगर आप किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 0 ही होता है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं इस टाइम, जैसे कि देख सकते हैं हमने एक्स वन का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया, हमने अपने खुद से लिखा है 0.x1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी एक्स थ्री का वैल्यू नहीं दिया है तो 0.x3। यहाँ से आपका जो होता है गुणांक का वैल्यू मिल जाता है। अगर पूछा है एक्स वन का गुणांक क्या होगा, -1, यहाँ पे एक्स थ्री का गुणांक क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा, और एक्स टू का गुणांक या तो -1, 8, 0, इस प्रकार एक मैट्रिक्स के रूप में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चन बने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, यूजिंग क्रेमर्स रूल इंपॉर्टेंट प्रश्न, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स में, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन, तीसरा है इनवर्स निकालना रहता है, यहाँ तीन क्वेश्चन 100% आने की चांस है, ठीक है। तीन में से हो सके आपको इनवर्स ना आए, लेकिन यहाँ दो प्रश्न आने तय है। और आपका जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ अभी बताएं, टीसी का वैल्यू आपका दिया रहेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसी में से आपको निकालना रहता है यहाँ पे,
एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मिनिमम ऑफ एसी, देन एमसी इक्वल टू एसी, यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये प्रूफ करना रहता है। तो ये प्रश्न 100% आना है, ठीक है, इसको आप जरूर रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन बताए, और अगर मैक्सिमम मिनिमा से प्रश्न पूछा जाता है तो कर्व से पूछा जाता है। अगर आपका नसीब अच्छा हो तो इजी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका इक्वेशन वाई का फंक्शनल वैल्यू रहता है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और थ्योरी में आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के प्रकार और समुच्च के प्रकार, यानी कि सेट थ्योरी आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि आपको यहाँ जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आपको बताया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, और लिमिट से क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी इजी कर दिया गया है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है सेट थ्योरी से यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाट इज फंक्शन और व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन, और इसी में से आपका एक सेट का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, या तो आपके सेट के प्रकार पूछ लिए जाएंगे यानी कि काइंड ऑफ सेट, और इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको हम जितने भी क्वेश्चन बताएं आपके एग्जाम के उससे 100% आने की चांसेस है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू।